यूपी के सीतापुर में बिना डिग्री के इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टर डीएम के निशाने पर आ गए हैं। इसी कड़ी में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि सीतापुर जिले के थाना इमलिया सुल्तानपुर अंतर्गत अवध हॉस्पिटल के नाम से बगैर मेडिकल डिग्री और लाइसेंस के नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है, जिस पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के निरीक्षण पर पहुंचने के बाद अवध हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ ही 9-11 हो गया। यहां से काफी दिन से शिकायत मिल रही थी, पेपर में भी निकल रहा था कि एलिया ब्लॉक में यहां पर काफी झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके मरीज भी बिगड़ते हैं, से काफी दिक्कत आ रही पब्लिक को। तो इसी सापेक्ष में आज हम मेरे द्वारा यहां पे निरीक्षण किया गया और यहां एलिया में सबसे पहले अवध हॉस्पिटल को देखा गया। बिना रजिस्ट्रेशन के वहां पर एक महिला भर्ती थी, उसका इलाज किया जा रहा था और कोई भी डॉक्टर वहां पे मौजूद नहीं था जी। और जो एक लड़का था भी वो वहां से भाग गया देखते ही। सील तो नहीं किया जा सका, लेकिन किसी उसको नोटिस दे दिया है कि 3 दिन में दें जवाब, अन्यथा सील कर दिया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जिससे वहां पर नोटिस चस्पा कर अग्रिम कार्रवाई की गई। इसी क्रम में काजी कमलापुर में सहारा पॉली क्लिनिक और रक्षा का दवाखाना के नाम से बिना डिग्री के संचालित क्लिनिकों पर कई मरीज सहित इलाज के उपकरण ग्लूकोज बॉटल, सीरीज, अल्ट्रासाउंड जेली, कैप्सूल, ओमेज, मोनिटॉल की बोतल, स्टेथोस्कोप, पीपी इंस्ट्रूमेंट तथा भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां मिली, जिसके बाद इन दवाखानों को सील कर दिया गया और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहने की बात कही जा रही है। सीतापुर से जनमत न्यूज के लिए अनूप पांडे की रिपोर्ट।